नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य और सौंदर्य चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। स्वास्थ्य और सौंदर्य चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं नुस्खे दादी माँ के अगली कड़ी के साथ। हमें बहुत सारे ईमेल्स मिल रहे हैं कि नुस्खे दादी माँ के पहले के वीडियोस काफी अच्छे हैं और उनसे काफी जानकारी भी मिली है, इसलिए इसकी अगली कड़ी की वीडियो जल्द से जल्द बनाएं। हमारे पहले के वीडियोस को जो आप लोगों ने सराहा उसके लिए धन्यवाद। हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि इसी तरह हम अपने चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचाते रहें। जो भी नुस्खे दादी माँ के पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोस नहीं देख पाए हों, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस की लिंक दे दी गई है, जहाँ से वो वीडियोस को देख सकते हैं। कड़वे नीम के बीजों को स्वच्छ जल में पीसकर शरीर पर लगाने से खुजली तथा सिर पर लगाने से जुए समाप्त हो जाते हैं। प्याज का रस और शुद्ध शहद बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर 2 चम्मच नित्य एक बार लेते रहने से उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर में फायदा होता है। जिन्हें बाल तोड़ हो गया हो, उन्हें मेहंदी को घोलकर बाल तोड़ वाली जगह पर लेप करने से फायदा होता है। खाली पेट गर्म जल पीने से अम्ल पित्त जनित हृदय की दाह और खट्टे डकारों का आना दूर हो जाता है। यदि आंखों के नीचे काले धब्बे यानी डार्क सर्कल हो जाए तो ताजी मलाई लेकर काले धब्बे पे हल्के हल्के मसाज करें, काले धब्बे यानी डार्क सर्कल दूर हो जाएगी। यदि नाक से खून आता हो तो तुलसी का रस नाक में डालने से खून आना बंद हो जाता है। जीभ या मुंह में छाले पड़ने पर लाल टमाटर खाने से फायदा होता है या छाले पर कत्था लगाने से भी लाभ होता है। यदि त्वचा में खुश्की हो तो नींबू के रस और ग्लिसरीन को मिलाकर पूरे शरीर पर लगाने से त्वचा की खुश्की दूर हो जाएगी। नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है, इसको पानी के साथ नित्य सेवन करने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर के अंदर के रोगाणुओं का नाश होता है। ध्यान रखें, नींबू के रस का सेवन पानी के साथ ही किया जाना चाहिए, अन्यथा यह जलन उत्पन्न कर देता है, साथ ही दांतों का इनेमल भी खराब कर देता है। मॉर्निंग वॉक के समय धूप पर पड़ी हुई ओस की बूंदों को मुख पर लगाने से मुख पर अद्भुत सौंदर्य वृद्धि होती है। बच्चों के पतले दस्त में जायफल पानी में घिसकर दिन में 3-4 बार चटाने से बार बार पतले दस्त आना बंद हो जाता है तथा दस्त बंद कर आने लगता है। प्रतिदिन 2 अंजीर खाने से कब्जियत दूर होती है, मल साफ एवं नियमित आता है। पुराने कब्ज में यह प्रयोग विशेष लाभकारी है। रात में मेथी के बीजों को भिगो दें और सुबह पीसकर बालों की जड़ों में अच्छी तरह लगाएं। 1 घंटे बाद नहा लें। नियमित रूप से कुछ हफ्तों तक इस प्रयोग को करने से रूसी की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी तथा बाल भी चमकदार एवं मुलायम हो जाएंगे। चाय के उबले और छने पानी में नींबू निचोड़ें और मिश्रण तैयार कर लें। शैम्पू से बाल धो लेने के बाद इस मिश्रण से बालों को धो डालिए। इस प्रयोग से बालों में अतिरिक्त चमक आ जाएगी। भुनी हींग, सौंठ, भुना हुआ सुहागा बराबर मात्रा में पीस कर रखें। 3 ग्राम की मात्रा में गुड़ मिलाकर मट्ठे के साथ सेवन करने से वातोदर में लाभ होता है। आज के इस वीडियो में हमने दादी माँ के घरेलू नुस्खों के बारे में जाना, जिनके उपयोग से हम छोटी मोटी बीमारियों का इलाज घर बैठे ही कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। हमारे नए नए स्वास्थ्य और सौंदर्य से संबंधित जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें, ताकि इसी तरह हम नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।